संविधान के प्रति हमारी प्रायोरिटी हम बताना चाहते हैं, और हम किसी और से उम्मीद क्यों करें किसी तरह के बदलाव की, क्यों ना हम खुद शुरुआत करें इस चीज़ की। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि कुछ नया हो। हम चाहते हैं कि समाज में जो कुरीतियाँ फैली है, जो खर्चालू शादियाँ हो रही है, वो बंद हो, कंपटीशन ना चले आपस में कि उसे अगर इतनी अच्छी शादी हुई तो मैं कर्ज लेकर शादी करूं। हम चाहते हैं कि समाज में सुधार आए, लेने देने की सारी परंपराएं बंद हो, जिसमें जितनी क्षमता है वो उतना ही खर्च करे, मतलब कर्ज लेकर वो शादी ना करे। जिस जिस तरीके से शादी होती है वो सारी शादियों को संवैधानिक मान्यता मिलती है, ठीक है। तो ये भी हमने हमारा अनोखा तरीका निकाला है संविधान के सम्मान में। अमूमन होता क्या है कि जब घरेलू बातें आती है रीति रिवाजों की, तो संविधान को सेकेंडरी दर्जा दिया जाता है, लेकिन हम उसे हमारी शादी में प्राथमिक दर्जा दे रहे हैं। मैं काफ़ी सालों से समाज सेवा में काम कर रहा हूँ, मैं काफ़ी काम कर भी चुका हूँ। जैसे मेरे पिताजी का देहदान किया गया था, उसके बाद मैंने एक संस्था खोली जिसमें अब तक 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट को निःशुल्क शिक्षा दे चुके हैं, कई युवाओं को रोजगार से लगा चुके हैं ट्रेनिंग देकर। तो काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में ऐसे उथल पुथल मची रहती है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि उन्हें शादी को अनोखी बनाया जाए, जिससे समाज तक मैं अपने जितने काम कर रहा हूँ उसका संदेश पहुँचा सकूँ कि आप स्वयं भी काम कर सकते हो अपने स्तर पर। जरूरी नहीं कि आप बड़े संगठन बनाओ, बड़ी टीमें बनाओ, ग्रुप बनाओ, आप अकेले भी काम कर सकते हो, काफ़ी कुछ कर सकते हो।